नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि टेस्ला कंपनी इंडिया में आने वाली है बहुत ही जल्द, और वो अपने बिजनेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और अपनी यहाँ से सेल करेगी, और यहाँ से ही इंडिया को सेल होगी और एक्सपोर्ट भी होगा, जिसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है। तो दोस्तों, मैंने उसमें ये बोला था कि इससे कुछ भी और डेवलपमेंट इसमें होती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, तीन चार चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँ, जिसकी वजह से मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इन शॉर्ट मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या था ये पूरी चीज़। दरअसल टेस्ला कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, एक प्लांट लगाना चाहती है। इसके लिए एलन मस्क ने $3 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए सोच लिया है, और जो कि भारत के तीन राज्यों में से किसी एक राज्य में वो अपना प्लांट सेटअप करेंगे। वो राज्य महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है, और या तो तमिलनाडु हो सकता है। इन तीन राज्यों की चुनाव की मेन कारण ये है कि यहाँ पर पोर्ट हैं, और यहाँ पर पोर्ट होने की वजह से इनको एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, जिससे इनकी कॉस्ट भी सेव होगी। अगर ये किसी ऐसी जगह पे अपना प्लांट बना ले जहाँ पर पोर्ट ना हो, तो इनको पोर्ट तक लाने का खर्चा भी लग जाएगा, तो उस खर्चे से इनको बचने के लिए इन्होंने पोर्ट वाले अपने स्थान को देख रहे हैं, जो कि तीन राज्य हो सकते हैं हमारे यहाँ। और ये जो इनकी टीम आने वाली है इसके लिए, प्लांट के लिए, स्टेट देखने के लिए कि किस स्टेट में हमें प्लांट बनाना चाहिए, वो इसी मंथ आने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला डेवलपमेंट तो ये है कि इस एक्स कंपनी के मालिक, यानी कि ट्विटर के जो मालिक है एलन मस्क, जिनकी टेस्ला कंपनी है, इन्होंने खुद एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बहुत ही जल्दी ये इंडिया को विजिट करने वाले हैं और आगे की बातचीत करेंगे मोदी जी के साथ, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं अपने। तो पहली डेवलपमेंट तो ये हो गई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए, क्योंकि खुद एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट से ये मतलब इन्फॉर्मेशन आई है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल करेक्ट है, वो आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि उनके ऑफिशियल तो आएंगे, साथ में अगर मालिक आते हैं तो बात कुछ ज़्यादा ही बनती है। ये तो पहले डेवलपमेंट है। और एक दूसरी डेवलपमेंट ये है कि भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जो कि टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है, उस कंपनी के साथ एलन मस्क कि जो टेस्ला कंपनी है उसका कोलेबोरेशन होने की संभावना है। वो एक जॉइंट वेंचर, यानी कि मिलकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिससे कि एलन मस्क को ये फ़ायदा होगा कि भारत की रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनको कुछ कंप्लायंस लेने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि अभी टेस्ला कंपनी आएगी भारत में तो उसको बहुत से कंप्लायंसेस चाहिए होंगे, जिसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर वो रिलायंस कंपनी के साथ काम करेगी, क्योंकि रिलायंस इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी को कुछ कंप्लायंस में रियायत मिल जाएगी और उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। ये दूसरी डेवलपमेंट है। लेकिन रिलायंस को ही क्यों चुना उन्होंने, एलन मस्क ने, क्योंकि रिलायंस कंपनी के पास तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा कोई रिच एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी ने 2023 में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था अशोक लेलैंड कंपनी के साथ। अगर आप ट्रक्स वगैरह के बारे में जानते हैं तो जैसे टाटा के ट्रक्स आते हैं, ऐसे ही अशोक लेलैंड के भी ट्रक आते हैं। तो रिलायंस कंपनी सन 2023 से इनके साथ, अशोक लेलैंड के साथ मिलकर काम कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिससे उनके पास एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। और एक और भी चीज़ है कि रिलायंस कंपनी कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनके साथ नहीं जाएगी जैसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। रिलायंस कंपनी उनके जो एलाइड वर्क होते हैं उसमें वो उनका सहयोग कर सकती है। जैसे कि मान ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो व्हीकल के लिए दूसरी इंजन वगैरह का काम तो हो सकता है वो खुद ही करें, लेकिन जैसे उसकी बैटरी का काम है ये रिलायंस वाले करें। इस तरह की जो दूसरी सपोर्टिंग चीज़ें उसके लिए रिलायंस वाले उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी ये उनकी कंफर्म नहीं हुई है कि वो आएंगे ही। उन्होंने जस्ट ये बताया कि बातचीत स्टार्ट हुई है रिलायंस के साथ, लेकिन काफ़ी हद तक संभावना है कि बात पॉजिटिव ही रहेगी, दोनों एक साथ में आ जाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे।
ये दूसरी डेवलपमेंट थी। अब दोस्तों एक चीज़ और समझते हैं कि क्या भारत का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि एलन मस्क को टेस्ला को यहाँ पर उतारना पड़े। दरअसल दोस्तों कुछ अभी आंकड़े हैं पिछले साल के यानी कि 2023 के। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2023 में करीब 40 लाख गाड़ियाँ टोटल बिकी हैं इंडिया की, यानी कि इंडिया में फोर व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर कार की, तो 40 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं। अब एलन मस्क का काम गाड़ियों का तो है, लेकिन गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, नॉर्मल डीजल और पेट्रोल वाली कारों का नहीं है। तो अब इस 40 लाख में अगर देखें तो डीजल और पेट्रोल के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्शन कितना है, शेयर, तो बता दें करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल 72,000 गाड़ियाँ बिकी हैं। सोचिए 40 लाख में 72,000, मतलब पूरा 2% भी नहीं है। क्या 2% के लिए इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं एलन मस्क? दोस्तों ये तो रही बात, क्योंकि अभी इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है नहीं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए अभी सिर्फ 2% है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, थोड़ी सी उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए, अभी क्या कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, अगर उसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाए तो इंडिया के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएंगे। आपको देखने को मिलता होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटी वगैरह जो हैं ये लोगों ने अपनाया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मार्केट में बहुत दिखती हैं। अब हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार हैं ये भी दिखने में अब बहुत आती हैं, दिखती हैं हम लोगों को, लेकिन एलन मस्क जब आएंगे तो बनी बात है ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, साथ में रिलायंस वाले भी साथ में होंगे तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इसमें सेल में आगे बढ़ोतरी होगी। अच्छा अब ये समझते हैं कि इतनी कम बिकी क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो इसके लिए भी एक सर्वे कराया गया, उसमें पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हम इसको 5% भी नहीं कर पा रहे, 2% से भी नीचे हैं। तो पहला रीज़न तो लोगों ने जो बोला वो करीब 21-22% लोगों ने बोला कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। भारत के लोग जो अभी कार खरीदना पसंद करते हैं एवरेज पर्सन, वो 8-10 लाख रुपए तक की कार को खरीदना परचेज करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उसके प्राइस लगभग डबल हो जाते हैं, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती है। पहला चैलेंज तो यहाँ पे ही आया। दूसरा चैलेंज आता है कि अभी इसके चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हैं, जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप परचेस करते हैं और अगर आप लंबी दूरी पर जाते हैं तो वो एक बार में नहीं जा सकती है, आपको सपोज़ 500 या 600 किलोमीटर जाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप एक बार चार्ज करके 500-600 किलोमीटर नहीं जा सकते, और आप बहुत ज़्यादा स्पीड में भी उसको नहीं चला सकते। तो अगर इसका चार्जिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या 200-250 किलोमीटर के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल एक वन शॉट चार्जिंग में जा सकती है, जैसा कि अभी एक्सपीरियंस हुआ है, अभी लोग जाते हैं, अगर इसके चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा हों तो लोग इसको ख़रीदना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनको चार्जिंग का इशू आता है कि चार्ज कहाँ करेंगे, और चार्जिंग में अभी टाइम लगता है, इस टाइम को भी कम करना होगा। अच्छा लोग इसको पसंद क्यों कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। लोग पसंद इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी नॉइस नहीं है, दूसरी चीज़ों में आप देखोगे नॉइस होता है, इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉइस नहीं होती, आपके बगल से गाड़ी निकल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ इससे इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ जो हैं वो पोल्यूट करती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन इसमें पोल्यूशन नहीं होता, एक ये भी फ़ायदा है। तीसरी चीज़ इसकी कॉस्ट बहुत कम है, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं डीजल और पेट्रोल 95 रुपीज़ 96 रुपीज़ ऐसे है, कुछ स्टेट में ये 100 रुपीज़ के आसपास आज भी है, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करें तो वही करीब 90 रुपये के आसपास, ऑन एन एवरेज की बात करो इतना है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो इसकी चार्जिंग आपको मान लो अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो 10 रुपये मान लीजिए, कहाँ 100 रुपये 90 रुपये का खर्चा हो, कहाँ 10 रुपये का खर्चा, ये कॉस्ट सेविंग भी करता है, तो एक ये भी बेनिफिट है। तो दोस्तों जैसे जैसे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा थोड़ी सी इसकी कॉस्ट कम आएगी, तो ये मान लीजिए इसका बिकना बहुत लाजमी है, ये बिकेगी, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। सर्वे में एक बार और भी बात बोली गई, लोगों को इस अपने जो मन के अकॉर्डिंग जो मॉडल चाहिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी उपलब्ध नहीं है, जैसा कि 8-10 लाख की कार में आपको मॉडल बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं,
लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सर्वे में एक चीज़ और भी सामने आई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको एक दिन में 46 किलोमीटर अगर आपको चलानी है और अगर आप 6 साल तक उसको चला लेते हैं तब तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इससे कम चलाते हैं तो वो उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी नहीं। ये कैलकुलेशन है जो एक नंबर आया है सामने, इसकी कॉस्ट को देख करके और यूजर्स को देख करके ये नंबर निकला है। तो दोस्तों, ये इसकी खामियां हैं, कुछ ये अच्छाइयां भी मैंने बताई, ये है। अब लोग इसको अपनाएंगे, बाकी अभी जैसे टेस्ला इंटर करती है, रिलायंस वाले हाथ मिलाते हैं दोनों लोग, तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा और हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, भारत की ग्रोथ जर्नी में एलन मस्क शामिल होना चाहते हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे यहाँ जॉब्स बढ़ेंगी इससे, और कहीं ना कहीं हम लोग जब जॉब्स आएंगी तो मार्केट में पैसा भी लोग खर्च करेंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के पास खुशहाली भी आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों ही चीज़ें हैं। और जब एक बड़ा ब्रांड आता है तो उसके साथ में और भी चीज़ें आती हैं। साथ ही एक चीज़ और भी है, एलन मस्क अपनी जो गाड़ियाँ बनाएंगे शुरू के 3 साल, उसमें जो पार्ट जो भी लगाएंगे उसका 25% पार्ट इंडिया का ही होना चाहिए, ये भी एक शर्त है शुरुआत के 3 साल। और उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर और, यानी कि 5 सालों, जब 5 साल हो जाएंगे तो ये 50% प्रोडक्ट उनको इंडिया के ही लगाने पड़ेंगे। तो एक ये भी पॉजिटिव चीज़ है, इंडिया के लिए ग्रोथ बहुत आगे बढ़ेगी, तो इसका जो भविष्य है वो सुनहरा ही दिखता है। दोस्तों, कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये तो जो लोगों का भी कंसर्न है कॉस्ट वाला, वो कम हो जाएगी। और रही बात चार्जिंग पॉइंट की, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो चार्जिंग पॉइंट भी लग जाएंगे, जैसे आज डीजल पेट्रोल भी तो हर जगह मिल जाता है इजिली, कहीं टाइम किसी को लगता नहीं लगता, किसी समय डीजल पेट्रोल भी लोगों को नहीं मिलता था क्योंकि उतनी गाड़ियाँ नहीं थी, आज के टाइम पे सब है। ऐसे चार्जिंग पॉइंट का भी होगा। दोस्तों, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एलन मस्क का स्वागत करना चाहिए भारत में, और हमें बहुत अच्छा भविष्य हमारा होगा, ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें कुछ और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए फिर अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।